वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्लैमरस पार्टी मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। सो आज मैं ब्लू हेवन पेन स्टिक अप्लाई करूंगी एज अ फाउंडेशन एंड कंसीलर। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के लिए हमेशा डैब डैब मोशन ही अप्लाई करें। मुझे पेन स्टिक से मेकअप करना काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों का काम करता है और इसमें एक पिंकी सा ग्लो आता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ कॉम्पैक्ट अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं आई मेकअप के लिए भी पेन स्टिक अप्लाई करूंगी एज अ आई शेडो प्राइमर। देन कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ मेयोन का आई शेडो अप्लाई करूंगी। ये आपको ओनली क्रीज के ऊपर अप्लाई करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं पेन स्टिक से क्रीज कट करूंगी। देन मैं इनर कॉर्नर में गोल्डन अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं आउटर वी पे ब्लैक अप्लाई करूंगी। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अगेन इनर कॉर्नर पे गोल्डन अप्लाई करूंगी फिनिशिंग के लिए। इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं मेयोन का आईलाइनर अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं वॉटर लाइन पे कोलोसल काजल अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट ब्लू हेवन मस्कारा। देन मैंने लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले भी पेन स्टिक अप्लाई किया है, इससे मेरी लिपस्टिक की शेड काफी अच्छी आएगी। मैंने पहले ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद इस पर रेड लिपस्टिक अप्लाई की है। इन दोनों को मिक्स करके जो शेड बनती है वो मुझे काफी पसंद है। मैं ये दोनों लिपस्टिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो माय फाइनल लुक इज रेडी। मैं पेन स्टिक मेकअप में कभी भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि पेन स्टिक ऑलरेडी बहुत हाईलाइट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।